क्रिकेट के इतिहास में एशिया कप हमेशा से एक शानदार टूर्नामेंट रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने हैं। आज हम आपको इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वन पर हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज अजंता मेंडिस। एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर एक पर हैं। उन्होंने साल 2008 में 42 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाए थे। इरफान पठान, जो कि भारत के एक जबरदस्त गेंदबाज हैं और उनकी गेंदबाजी करते हुए भारत ने कई बार मैच भी जीते हैं। यही नहीं, वो कभी भी कहीं भी ओपनर करने आ जाते थे और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबको हैरान भी किया करते थे। एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में उनका स्थान दूसरा है। उन्होंने 2014 में 6 मैचों में 52.1 ओवर में 14 विकेट चटकाए थे। नंबर चार, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अपने बल्ले से उन्होंने आज तक कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन साल 2004 में उन्होंने गेंदबाजी का एक शानदार प्रदर्शन किया था, जिसको तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 32 ओवरों में कुल 12 विकेट चटकाए थे। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के शानदार स्पिनर हैं और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में उन्हें चौथा स्थान हासिल है। साल 2008 में उन्होंने 5 मुकाबले में 48 ओवरों में 11 विकेट चटकाए थे। श्रीलंका के खिलाड़ी लसित मलिंगा का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल है। उन्होंने क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। साल 2013-14 में आयोजित एशिया कप में उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। इस सीजन में उन्होंने 4 मुकाबले में 34 ओवरों में 11 विकेट चटकाए थे। और दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।